वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 1 जून 2018 और 1 जून 2018 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखें। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आप आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो आपको इस वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का लाल बटन दिख रहा होगा, आप उस बटन पर क्लिक करके बराबर वाले बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट कर। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया गया है? तो ये अभी हाल ही में 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया गया है। WHO के द्वारा हर साल 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। और ये क्यों मनाया जाता है? तंबाकू के प्रयोग की रोकथाम के लिए हर साल 31 मई को WHO के द्वारा विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। अब यहाँ पर सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए ये बनता है कि 2018 के विश्व तंबाकू निषेध दिवस की थीम क्या है। तो इस बार के विश्व तंबाकू निषेध दिवस की थीम है टोबैको एंड हार्ट डिसीज। एक बार फिर मैं आपके लिए रिपीट कर रहा हूं, 2018 के विश्व तंबाकू निषेध दिवस की थीम है टोबैको एंड हार्ट डिसीज। अब इसका आयोजन WHO के द्वारा किया जाता है, तो WHO से भी कई बार इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक तो यही सबसे बेसिक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि WHO की फुल फॉर्म क्या होती है। तो WHO की फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WHO की स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। WHO का हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड में। और WHO से सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए ये बन जाता है कि WHO के प्रेजेंट टाइम के महानिदेशक कौन है। तो WHO के प्रेजेंट टाइम के महानिदेशक हैं टेड्रोस अधानोम गेबेरियस। इनका नाम आप 2-4 बार बोलेंगे तो इनका नाम आपको याद हो जाएगा। WHO के प्रेजेंट टाइम के महानिदेशक हैं टेड्रोस अधानोम गेबेरियस। अब मैंने इस क्वेश्चन के ऑप्शन कुछ ऐसे लिखे हैं जिनसे कि आपको कुछ जानकारी मिल जाए। जब मुझे 4 ऑप्शन लिखने ही होते हैं तो मैं कोशिश करता हूं कि ऑप्शन ऐसे लिखे जाएं जिनसे आपको ज्यादा से ज्यादा जानकारी मिल जाए। पहला ऑप्शन लिखा है 1 मई। तो 1 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस, और इसी को कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस, और इसी को कहा जाता है मई दिवस। एक ऑप्शन ये लिखा है 7 मई। 7 मई को मनाया जाता है वर्ल्ड एथलेटिक्स डे। और एक ये ऑप्शन लिखा है 30 मई। 30 मई को अभी हाल ही में मनाया गया है गोवा राज्य दिवस। ये क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था। अगर आप रेगुलर हमारी इन वीडियोस को देख रहे होंगे तो आपको पता होगा 30 मई को मनाया जाता है गोवा राज्य दिवस। तो आपको इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ब्रिटेन गृह मामलों की वार्ता की तीसरी बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो ये आयोजित हुई है नई दिल्ली में। अब इस वार्ता के प्रमुख मुद्दे क्या रहे हैं ये आपको पता होना चाहिए। भारत ब्रिटेन गृह मामलों की वार्ता जो तीसरी बैठक आयोजित हुई है नई दिल्ली में, इसके प्रमुख मुद्दे रहे हैं साइबर सुरक्षा, महिला सुरक्षा और संगठित अपराध। और इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किया है केंद्रीय गृह सचिव श्री राजीव गौबा ने। तो आपको इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिल जाती है। चलते ही नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण कहाँ संपन्न हुआ है? तो ये अभी हाल ही में उत्तराखंड में संपन्न हुआ है। कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है कि संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण किन देशों के बीच होता है? तो ये इंडिया और नेपाल के बीच में होता है, ये आपको याद रखना है। और अभी हाल ही में ये उत्तराखंड में संपन्न हुआ है। अब ये उत्तराखंड में संपन्न हुआ है तो उत्तराखंड के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। पहले आप मैप में देखिए, ये है उत्तराखंड। उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून। उत्तराखंड के प्रेजेंट टाइम के चीफ मिनिस्टर हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, और उत्तराखंड के प्रेजेंट टाइम के गवर्नर हैं कृष्णकांत पॉल। तो उत्तराखंड के बारे में आपको इतना पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने 2 रोड परियोजनाओं के लिए किस देश को 33 करोड़ रुपए जारी किए हैं? तो अभी हाल ही में भारत ने 2 रोड परियोजनाओं के लिए नेपाल को 33 करोड़ रुपए जारी किए हैं। यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब ये रुपए नेपाल को जारी किए गए हैं तो नेपाल के बारे में आपको पता होना चाहिए। पहले आप मैप में देखिए, ये है नेपाल। नेपाल तो भारत का पड़ोसी देश है, तो आप मैप में जानते ही हैं नेपाल है भारत के पड़ोस में। नेपाल की कैपिटल क्या है? काठमांडू। नेपाल के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर हैं केपी शर्मा ओली। नेपाल की प्रेजेंट टाइम की प्रेसिडेंट हैं विद्या देवी भंडारी। अब नेपाल से एक मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है पूरे 2018 के लिए। ये क्वेश्चन क्या है, हिमालयन हाइड्रो एक्सपो 2018 का आयोजन कहाँ पे हुआ? तो हिमालयन हाइड्रो एक्सपो 2018 का आयोजन हुआ था नेपाल की राजधानी काठमांडू में। अब शायद आपके माइंड में आ रहा होगा कि ये हिमालयन हाइड्रो एक्सपो होता क्या है।
तो नेपाल की हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर को पूरी दुनिया के सामने शो करने के लिए मनाया जाता है हिमालयन हाइड्रो एक्सपो। और इसका पर्पज ही ये होता है कि पूरी दुनिया के सामने नेपाल की जल विद्युत शक्ति को प्रदर्शित करना। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि हिमालयन हाइड्रो एक्सपो 2018 का आयोजन कहाँ पे हुआ, तो ये काठमांडू में हुआ था। तो ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नई संदेश ऐप किम्बो किसने लॉन्च की है, तो ये पतंजलि ने लॉन्च की है। पतंजलि ने व्हाट्सएप की तरह ही बिल्कुल सिमिलर मैसेजिंग ऐप लॉन्च कर दी है जिसका नाम रखा है किम्बो। अब शायद आपके माइंड में आ रहा होगा कि ये किम्बो क्या है। किम्बो एक संस्कृत का शब्द है जिसका मतलब होता है हालचाल पूछना। जैसे आप हिंदी में हालचाल पूछते हैं, क्या हाल है, कैसे हो, तो किम्बो का यही मतलब होता है कि हालचाल पूछना। इसीलिए पतंजलि ने अपनी मैसेजिंग ऐप का नाम रखा है किम्बो। ये बिल्कुल व्हाट्सएप की तरह ही है, इसमें आपको व्हाट्सएप वाले ही सारे फीचर मिलेंगे। तो ये आपको याद रखना है कि किम्बो किसने लॉन्च की है, तो ये पतंजलि ने लॉन्च की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने फिक्स डिपॉजिट पर ब्याज दरें बढ़ाई हैं, तो अभी हाल ही में SBI ने फिक्स डिपॉजिट पर अपनी ब्याज दरें बढ़ा दी हैं। XBI ने फिक्स डिपॉजिट पर जो 6.45% की ब्याज दर थी, अब उसे 6.65% कर दिया है। अब ये 6.65% किया है SBI ने, तो SBI के बारे में आपको बता देता हूँ। SBI के अध्यक्ष का नाम आप याद रखिए, SBI के प्रेजेंट टाइम पे अध्यक्ष हैं रजनीश कुमार। SBI का हेडक्वार्टर है मुंबई में और SBI की स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 को। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लीनियस पदक प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं, तो ये बने हैं कमलजीत एस बाबा। यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये जो आपको इमेज में दिख रहे हैं यही हैं कमलजीत एस बाबा, और ये एक फेमस वनस्पति वैज्ञानिक हैं। इनको अभी हाल ही में लीनियस पदक प्राप्त हुआ है और ये लीनियस पदक प्राप्त करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। अब शायद आपके माइंड में आ रहा होगा कि ये लीनियस पदक क्या है, तो ये लंदन का एक फेमस अवार्ड है लीनियस अवार्ड। और आपने नाम सुना होगा कैरोलस लीनियस का, ये एक फेमस साइंटिस्ट थे कैरोलस लीनियस, इन्हीं के नाम पे इस अवार्ड का नाम रखा गया है लीनियस अवार्ड। और लीनियस अवार्ड प्राप्त करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं कमलजीत एस बाबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कार्टूनिस्ट थॉमस एंटनी ने अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है, वे कहाँ के हैं, तो ये एक फेमस कार्टूनिस्ट हैं थॉमस एंटनी और ये केरल के हैं। यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। इन्हें अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। अब ये केरल के हैं, तो केरल के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। केरल के प्रेजेंट टाइम पे चीफ मिनिस्टर है पिनराई विजयन और केरल के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर है पी सदाशिवम। तो केरल के बारे में आपको इतना पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस खिलाड़ी को समाज कल्याण के लिए वर्ष का सबसे प्रेरक आइकन पुरस्कार दिया गया है, तो ये अभी हाल ही में युवराज सिंह को दिया गया है। समाज कल्याण के लिए वर्ष का सबसे प्रेरक आइकन अवार्ड मिला है युवराज सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उर्मिला सिंह का निधन हुआ है, वे किस राज्य की राज्यपाल रही थी, तो ये आपको इमेज में दिख रही हैं, ये हैं उर्मिला सिंह। इनका अभी हाल ही में 71 वर्ष की आयु में निधन हो गया है और ये हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल रही थी। 2010 में ये हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल रही थी। इनका अभी हाल ही में 71 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। अब ये हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल रही थी, तो हिमाचल प्रदेश के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। पहले आप मैप में देखिए, ये है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है शिमला। हिमाचल प्रदेश के प्रेजेंट टाइम पे चीफ मिनिस्टर है जयराम ठाकुर। हिमाचल प्रदेश की प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर है आचार्य देवव्रत। तो हिमाचल प्रदेश के बारे में आपको इतना पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में US आधारित बोंगडूडी का किस कंपनी ने अधिग्रहण किया है, तो ये US की एक कंपनी है बोंगडूडी, इसका अभी हाल ही में अधिग्रहण किया है इन्फोसिस ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब ये इन्फोसिस ने अधिग्रहण किया है, तो इन्फोसिस के बारे में आपको पता होना चाहिए। इन्फोसिस की स्थापना हुई थी 1981 में और इसकी स्थापना की थी NR नारायण मूर्ति ने। इन्फोसिस का हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए इन्फोसिस से ये बन जाता है कि इन्फोसिस के प्रेजेंट टाइम पे CEO कौन है, तो इन्फोसिस के प्रेजेंट टाइम पे CEO है सलिल पारेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी कंपनी लगातार दूसरे वर्ष के लिए सबसे लाभदायक PSU बनी है, तो ये बनी है IOCL, यानी कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। अब ये IOCL बन गई है, तो IOCL के बारे में मैं आपको बता देता हूँ।
आईओसीएल के चेयरमैन का नाम आपको पता होना चाहिए, आईओसीएल के चेयरमैन है संजीव सिंह और आईओसीएल का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। अब आपके लिए लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था चौथा अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव कहाँ आयोजित होगा, तो चौथा अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव आयोजित होगा देहरादून में, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था। इस क्वेश्चन का आंसर लगभग सभी लोगों ने सही दिया है। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन पूछने से पहले मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, हम हमारे फेसबुक पेज पर अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं। और आप जानते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं और उन क्वेश्चन को आप जरूर सॉल्व कीजिए। आज का क्वेश्चन है आपके लिए, हाल ही में किस राज्य ने गज यात्रा अभियान लॉन्च किया है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, मेघालय, केरल, राजस्थान या महाराष्ट्र। तो इनमें से बताना है आपको कि हाल ही में किस राज्य ने गज यात्रा अभियान लॉन्च किया है। जो भी क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं उसका आंसर आप जरूर दिया करो। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी सर्च करके मेरे साथ जुड़ सकते हो और कोई भी डाउट डिस्कस कर सकते हो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना, और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव एन ऑसम डे।